हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। एक्चुअली में बताया था मैंने हर मॉर्फोलॉजी में कि रूट जो था, रूट का भी प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, स्टेम के भी थे, वैसे ही लीफ भी फोटोसिंथेसिस के अलावा अदर भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट आर इंक्लूडेड अंडर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अब लीफ अदर देन फोटोसिंथेसिस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है उसको आइए देखते हैं। तो फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो मतलब लीफ क्लाइंब अप में भी काम करेगी, लेकिन लीफ के फॉर्म में नहीं करेगी, मॉडिफाइड फॉर्म में करेगी, दैट इज कॉल्ड लीफ टेंड्रिल। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड होकर के स्प्रिंग लाइक या क्वाइल हो जाती है, और क्वाइल होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड लीफ टेंड्रिल, एज यू सी इन द केस ऑफ वाइल्ड पी लेथाइरस ओडोरेटस के केस में होता है। इसमें लीफ क्या होती है कि मॉडिफाइड होकर के लाइक दिस हो जाती है, इस तरह से अगर ये है तो ऊपर की लीफ ये मॉडिफाइड हो जाती है इस तरह से, और ये टेंड्रिल के फॉर्म में आ जाती है लीफ, दैट आर यूज्ड इन क्लाइंब अप। These are called leaf tendril. It is used to climb up. Another plant like Opuntia, or you can say that cactus, Acacia, Ziziphus jujuba, मतलब बेर में, बबूल में, कैक्टस में, इसमें लीफ स्पाइंस के रूप में चेंज हो जाती है, दैट आर यूज्ड एज ए डिफेंस फ्रॉम ब्राउजिंग और ग्रेजिंग एनिमल्स। नेक्स्ट वन इज लीफ स्पाइन इज फाउंड इन केस ऑफ ओपुंसिया, एकेसिया मीन्स बबूल, जिजाइफस जुजुबा बेर। इनमें क्या होता है कि लीव्स स्पाइन के फॉर्म में चेंज हो जाती है, आपने कैक्टस में देखा होगा, कैक्टस के केस में लाइक दिस, लीव्स डार्क ग्रीन कलर की होती है, ये भी लीव्स है, ये मॉडिफाइड होकर के स्पाइन्स बना लेती है, दैट आर यूज्ड एज डिफेंस फ्रॉम प्रोटेक्टिंग ब्राउजिंग और ग्रेजिंग एनिमल्स, दीज आर लीफ स्पाइन। बबूल में भी जो कांटे होते हैं वो लीफ स्पाइन के मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, या स्पाइन मतलब लीफ के ही मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, दीज आर लीफ स्पाइन, और यू कैन से दैट फॉर ऑफेंस एज ए डिफेंस फॉर एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो लीफ टेंड्रिल, लीफ स्पाइन, इसके अलावा क्या होता है, एक लीफ हुक होते हैं, लीफ हुक में भी बिग्नोनिया में होता है, लीफ हुक इन बिग्नोनिया सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू हुक्स इन बिग्नोनिया, लाइक दिस, some leaves modified into hooks like this, this is called leaf hook। Bignonia ke case mein ye hota hai leaf hook। Next one is phyllode,
इन केस ऑफ एकेसिया कंप्लीट लीफ मॉडिफाइड इनटू अ स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइलोड, पूरी की पूरी लीफ जो होती है वो मॉडिफाइड होकर के एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको हम फाइलोड बोलते हैं। जैसे अगर देखा जाए उसमें बाईफोलिएट लीफ्स होती है, उसमें सॉरी बाईपाइनेट लीफ होती है, इस तरह से लीफ्स होती है बबूल में, अब ये पूरी की पूरी लीव्स जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, इधर भी ऐसे ही रहेगी, ये पूरी की पूरी लीफ ऐसे स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर में एक्सचेंज हो जाती है जिसे हम फाइलोड कहते हैं। ये फाइलोड होता है टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। फाइलोड इज फाउंड इन द केस ऑफ एकेसिया नोलिटिका ऑस्ट्रेलियन बबूल, एकेसिया नोलिटिका ऑस्ट्रेलियन बबूल के केस में होता है ये मॉडिफाइड इनटू स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट वन इज लीफ ब्लैडर, आपने नाम सुना होगा यूट्रिकुलेरिया, पीचर प्लांट होते हैं, लीफ्स जो होती है वो थ्रेड लाइक हो जाएगी, लीफ ब्लैडर। नेक्स्ट वन इज लीफ ब्लैडर, इसीलिए इसको ब्लैडर वॉल्ट बोलते हैं, यूट्रिकुलेरिया यूट्रिकुलेरिया ब्लैडर वॉल्ट। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर लीव्स में बन जाते हैं, उसमें एक स्पेशल एंजाइम फील हो जाता है और उस वो एंजाइम जो होता है वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, इस तरह से रहेगा। इसमें कई सारे लीफ में इस तरह से ब्लैडर बन जाते हैं, इसमें कई सारे लीव्स के ब्रांचेज निकलेंगी और उस ब्रांचेज में ब्लैडर बन जाते हैं इसे, और ये इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम करते हैं। इसकी लीव्स भी इस तरह से होती है बुश लाइक, कोई भी अगर मॉस्कीटो एक बार अगर फंस गया तो फिर निकल नहीं सकता, और ये ब्लैडर उसको डाइजेस्ट करके अपने बॉडी में, मतलब ये प्लांट नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो इसको लीफ ब्लैडर कहते हैं। और एक होता है लीफ पीचर, लीफ पीचर में देखो क्या होता है, लीफ पीचर की अगर बात करें तो उसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको हटा देता हूँ मैं, लीफ पीचर, लीफ पीचर में देखो क्या होगा, लीफ पीचर लाइक दिस होता है, इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये इसमें लीव्स निकली होती है यहीं से, ये तो लीव्स हो जाती है, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर इसमें एक अपर कूलम यहाँ पे रहता है जो इसको पैक करने का काम करता है, यहाँ से कोई भी इंसेक्ट अगर इसमें आ गया तो इसके अंदर बहुत हेयर्स होती हैं इसके इंटरनल पोर्शन में, जिससे मतलब काइटिन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज होते हैं, और वो एक बार इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो गया वो ट्रैप होने के बाद डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसको लीफ पीचर बोलते हैं। निपेंथिस का नाम सुना होगा आपने, तो ड्रोसेरा निपेंथिस, इसको लीफ पीचर बोलते हैं, ये मतलब इंसेक्ट को इसलिए डाइजेस्ट करते हैं ताकि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, तो ये लीफ पीचर कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ सेकुलेंट लीफ भी होती है जिसमें फूड स्टोर होता है, जैसे एलोवेरा का नाम सुना होगा, एलोवेरा हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, इनमें लीफ में फूड स्टोर होता है तो उसको बोलते हैं सेकुलेंट लीफ, सेकुलेंट लीफ होती है, सेकुलेंट लीफ जो होता है वो फूड स्टोर करने का काम करता है। एलोवेरा के जो मोटे लीफ होते हैं इसके अंदर ऊपर का लेयर हटा दीजिए, नीचे का बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर निकलता है एलोए बोलते हैं उसको, तो वो जेल लाइक स्ट्रक्चर स्टोर्ड फूड होता है उसका, ब्रायोफिलम में भी होता है, सेकुलेंट लीफ इसको बोलते हैं। सेकुलेंट लीफ के अलावा एक और कलर्ड लीफ होती है, लाल पत्ती जिसको बोलते हैं कलर्ड लीफ, लाल पत्ती इसका एग्जांपल है। इसके अलावा फ्लोरल लीव्स भी होती है, फ्लोरल लीव्स में मेन तो आते हैं फ्लोरल लीव्स में सेपल और पेटल, ये दोनों फ्लोरल लीव्स में आती हैं,
क्योंकि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर सेपल होता भी है, पेटल्स भी होता है, लेकिन कलर्ड हो जाता है वो। तो ये मेन मॉडिफिकेशन थे लीफ के, आप इसको याद रखें। ये कलर्ड लीफ लाल पत्ती और फ्लोरल लीव्स में सेपल और पेटल, ये दोनों याद रखें, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ओके, थैंक यू। Okay, video.